मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने बदला प्रत्याशी। मायावती ने इसका दावा नेता पर लगाया दांव। मैनपुरी से बसपा ने नामांकन करने से एक दिन पहले क्यों बदला कैंडिडेट? कौन है शिव प्रसाद यादव जिसके आने से डिंपल यादव की बढ़ेगी चुनौती? मैनपुरी के रण में उतरे शिव प्रसाद यादव की राजनीति के साथ एक बेहद ही खास जातीय गणित का है कनेक्शन। सुनेंगे तो होंगे हैरान, यही कहेंगे मैनपुरी में रोचक हो सकता है मुकाबला। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, बीएसपी प्रमुख मायावती ने मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने अपने आशीर्वाद के तौर पर गुलशन शाक्य को उनके खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, मायावती ने अपना आशीर्वाद डिंपल यादव के ऊपर से ले लिया। गुलशन शाक्य की जगह एक ऐसे नेता को बीएसपी प्रत्याशी बना दिया जिसके चुनावी मैदान में आने से डिंपल यादव के सामने अब चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि मायावती ने अपने आप में एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाया जिनकी राजनीति को मुलायम परिवार हल्के में नहीं ले सकता। मैनपुरी में अब की बार बीएसपी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो एक तो यादव हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी राजनीति को एक और बात सूट करती है जो डिंपल के खिलाफ जा सकती है, बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए फायदेमंद हो सकती है। आपको बता दें कि बसपा ने 11 लोकसभा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर मैनपुरी सीट से गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया। डिंपल यादव के खिलाफ मायावती ने अब यादव चेहरे पर दांव लगाया। बसपा ने पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी में जयवीर सिंह और अब शिव प्रसाद यादव के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी एक दिन पहले ही हो गई थी। बीएसपी ने पहले शाक्य चेहरे के रूप में गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नामांकन से पहले ही 15 अप्रैल को उनको लखनऊ बुला लिया गया। चर्चा थी कि प्रत्याशी बदला जा रहा है और अब उनके स्थान पर यादव चेहरे के रूप में भरतनास के पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया जाएगा। बसपा ने एक सप्ताह पूर्व गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी बनाया था। प्रत्याशी बनने के बाद भी उनके प्रचार का जोर नजर नहीं आ रहा था। कई दिनों से प्रत्याशी में बदलाव की चर्चाएं चल रही थी। 15 अप्रैल को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रत्याशी गुलशन देव शाक्य को अचानक लखनऊ बुला लिया गया। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि दिन भर चले मंथन के बाद प्रत्याशी बदलने पर बात हुई थी। पार्टी मुख्यालय पर जातीय समीकरण को साधते हुए चुनावी गणित समझाया गया और जिला कार्यकारिणी को नए प्रत्याशी के साथ सामंजस्य बिठा चुनावी तैयारियों में मजबूती से लड़ने की बात कही गई। इसके बाद शिव प्रसाद यादव पर मायावती ने अपनी मोहर लगा दी। 2007 में भरतनास से बसपा से ही विधायक रह चुके शिव प्रसाद यादव घोसी यादव समाज से ही आते हैं। वो भाजपा में भी रह चुके हैं। उन्होंने 2023 में भाजपा छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। सर्वजन सुखाय पार्टी का वो लगातार विस्तार करने में लगे थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने शहर के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कर घोसी समाज को एक साथ लाने का प्रयास किया था। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी खड़े करने का ऐलान किया, लेकिन इस बीच 16 अप्रैल की सुबह बसपा ने मैनपुरी से उनके टिकट पर मोहर लगा दी। अब सपा से डिंपल यादव और भाजपा के जयवीर सिंह यादव के सामने बसपा के शिव प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव जहां कमरिया यादव समाज से आती हैं, वहीं शिव प्रसाद यादव घोसी समाज से। मैनपुरी लोकसभा में 30-35% घोसी समाज के यादव हैं, ऐसे माना जा रहा है मुकाबला रोचक हो सकता है।